फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने 4 स्टार्टअप्स में हिस्सेदारी खरीदी है, जिसमें एक मैजिक पिन नाम की कंपनी भी है जिसमें करीब 16% हिस्सेदारी खरीदी है 371 करोड़ रुपए में। कंपनी के को फाउंडर और CEO ब्रजभूषण से खास बातचीत की मेरे सहयोगी नयनतारा ने, आइए सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। 24 घंटे पहले ईटी नाउ ने आपको सबसे पहले बताया था कि जोमैटो का एक नया स्ट्रैटेजी है, वो अपने पहले इन्वेस्टर संजीव बिखचंदानी और इन्फो एज इंडिया के मैजिक को रेप्लिकेट करना चाहते हैं, वॉन्ट्स टू बी लाइक अ 10 सेंट इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स। हमने आपको बताया था कि 3 स्टार्टअप्स में वो इन्वेस्ट करेंगे और वही हुआ, क्योर फिट, मैजिक पेन और थर्ड है शिप रॉकेट। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव, वो है मैजिक पेन के को फाउंडर के साथ। जोमैटो ने 300 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है मैजिक पिन में, उसके लिए उनको मिला है 16% स्टेक। क्या इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अब ब्रिज के साथ, जो है को फाउंडर और CEO मैजिक पिन में। उन्होंने मैजिक पिन 6 साल पहले शुरू किया था। ब्रिज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफी बड़ा बात है, जोमैटो ने आप पे बेट लिया है, 16% स्टेक लिया है, क्यों लिया है? देखो, जो मैजिक पिन बना रहा है, राइट, मैजिक पिन एप्लीकेशन जो है, जो कस्टमर्स को सेविंग्स देता है फूड और बाकी कैटेगरीज में भी, और मैजिक पिन हेल्प करता है बहुत सारे रिटेलर्स को, हमारे यहाँ, हमारे देश में बहुत सारे, कुछ 20-30 मिलियन रिटेलर्स है, स्मॉल रिटेलर्स, जिनको कस्टमर का डिमांड जनरेट करने का बहुत बड़ा गैप है उनके लिए, उनके पास कोई एवेन्यू नहीं है सब करने के लिए। तो मैजिक पिन इस स्पेस में सबसे बड़ा कंपनी है, राइट, वी आर द लार्जेस्ट प्लेयर इन दिस स्पेस। सो जोमैटो को ये बहुत पसंद आया कि मैजिक पिन, और मैजिक पिन जो कर रहा है, जो जोमैटो ने फूड में किया है, मैजिक पिन वो फूड के बाहर भी कर सकता है। और अगर फूड के बाहर आप जाओगे तो ये मार्केट बहुत ही बड़ी है, ट्रिलियन डॉलर जितनी बड़ी मार्केट है, तो उस मार्केट में मैजिक पिन अभी नंबर वन है, और अगर ये कैपिटल के साथ हम और अग्रेसिवली ग्रो करते हैं तो ये बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। तो इसका मतलब ये है कि जोमैटो मैजिक पिन को यूज करेंगे नॉन फूड कैटेगरीज में बढ़ने का। बिल्कुल, हम ऑलरेडी फूड से, फूड के अलावा फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी, ग्रोसरी, इन सब कैटेगरीज में मैजिक पेन कस्टमर्स को 1,50,000 के आसपास स्टोर्स पे सेविंग्स प्रोवाइड करता है। तो आप कहीं पे भी शॉप कीजिए, आप चाहे किसी एक क्लोज घर के पास किसी ग्रोसरी शॉप पे जाइए, या आप घर पे मेडिसिन मंगवाइए किसी लोकल शॉप से, या आप मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग या किसी स्मॉल बर्गर स्टोर पे जाके खाना खाइए, आपको सब जगह सेविंग्स मिलती है, 10-50% तक का आप अपना सेव कर सकते हैं। तो ये जो सेविंग प्रोपोजिशन है, ये हर कैटेगरी में चलता है, कस्टमर हर जगह स्पेंड करते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है। और दीपेंद्र गोयल की आपके साथ जो एसोसिएशन है वो नई तो बिल्कुल नहीं है, उन्होंने आपका बोर्ड ज्वाइन किया था जुलाई में एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसका क्या होगा और ये क्या हम मान सकते हैं एक प्रीकर्सर है मर्जर के लिए? देखो, मैजिक पिन जो कंपनी बना रहा है वो बहुत बड़ी है, राइट, तो मर्जर होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है। अभी तो अपॉर्चुनिटी जिसके लिए जोमैटो बहुत एक्साइटेड है वो ये है कि मैजिक पिन के थ्रू एक बहुत बड़ी मार्केट पे जोमैटो को एक्सपोजर मिल रहा है, कि इतना बड़ा स्पेस है, इतना बड़ा मार्केट है, और सब कुछ जोमैटो के अंदर तो बन नहीं सकता, अलग अलग कंपनीज है जो अपने अपने स्पेस में बड़ी बन सकती है। तो जोमैटो के लिए ये बहुत बड़ा फायदा है कि मैजिक पिन के साथ पार्टनर करके दे गेट exposure and an opportunity to build a large company, right? और food के बाहर, आप देखेंगे तो beauty, electronics, fashion, grocery बहुत बड़ी बड़ी markets हैं, तो उनके लिए बहुत फायदा है इस मामले में, और हमारे लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि Zomato ने तो ये जो जोमैटो ने खरीदारी की है मैजिक पिन में, उनके को फाउंडर थे जो कि नयनतारा के साथ बातचीत कर रहे थे, बता भी रहे थे कि किस तरह से आगे चल के उनका एक्सपेंशन प्लान रहेगा। जोमैटो की जो इस तरह की खरीदारी हुई है, क्या शेयर पर असर डालेंगे?